फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में हम लोग अल्कीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में आज हम लोग अल्कीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। अल्कीन जो होता है कलरलेस और ऑडरलेस होता है, यानी किसी तरह का इसमें कलर नहीं होता है और किसी तरह का स्मेल या फ्रेगनेंस इसमें नहीं मिलता है। अब लोअर मेंबर जो अल्कीन के होते हैं, अगर अल्कीन को देखें तो सबसे लोअर मेंबर इसका कौन सा होगा, वो होगा कार्बन, जिसके पास सब कम से कम जो टू होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो। तो लोअर मेंबर जो होंगे C2 to C4, वो गैसेस स्टेट में होते हैं। जो उससे हायर है यानी कि C5 to C17, वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। और जो हायर मेंबर होता है अल्कीन का, वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंस होता है, यानी कि C18 to onwards जो अल्कीन होते हैं वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। अगर हम अल्कीन को बर्न करें इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो एक लूमिनस स्मोकी फ्लेम देता है, जिससे हम इससे पहचानने में भी इसका यूज किया जाता है। ये जो है क्या देता है, लूमिनस स्मोकी फ्लेम देता है, जिससे हम लोग अल्कीन को पहचान भी सकते हैं। अब अल्कीन जो होता है उसकी डेंसिटी जो होती है वो वाटर से कम होती है, तो ये क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। अगर हम दोनों को मिक्स करें तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। अल्कीन जो होता है वाटर में काफ़ी कम सॉल्युबल, बहुत कम, लेकिन अगर हम इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स करें तो ईजिली ये डिजॉल्व हो जाता है। हम अगर इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन या डाइक्लोरोमीथेन में इसको डिजॉल्व करें तो ईजिली ये डिजॉल्व हो जाता है। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो जो हमारा अल्कीन है वो जैसे जैसे हम उसका मॉलिकुलर वेट बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हम इसका ब्रांचिंग को इंक्रीज कर दें, अगर मॉलिकुलर वेट को कांस्टेंट करके, तो जैसे जैसे अगर ब्रांचिंग इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है। यानी कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मॉलिकुलर वेट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग के। अब क्यों ब्रांचिंग, ये मॉलिकुलर वेट के कारण कैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो बढ़ रहा है, ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा अल्कीन है उसमें जैसे जैसे साइज इंक्रीज कर रहा है, उनके इसमें इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है इंक्रीज कर जा रहा है। अगर हम लोग अल्कीन को कंपेयर करें अल्केन से, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो स्लाइटली ही हायर है अल्कीन से, क्या है, और इसका वजह क्या है कि जो हमारा पाई बॉन्ड जो है अल्कीन का, वो उसका पोलराइजेशन, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इनमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानें, किस तरह से हमारा अल्कीन जो है वो रिएक्ट करता है। तो सबसे पहला हम लोग ये करना चाहते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहचान सकते हैं। कहीं कहीं पर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि क्या अल्कीन IR एक्टिव होता है, या फिर और बहुत सारे ऑप्शन के साथ आए, फिल इन द ब्लैंक्स में आए, तो हाँ ये अल्कीन जो होता है वो IR एक्टिव होता है। अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगा, एलाइलिक सब्सटीट्यूशन, डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है, जिसमें कंबसन, ओजोनोलिसिस, हाइड्रोऑक्सीलेशन और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन आता है। अल्कीन जो है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन भी देता है और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी देता है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जैसे हम लोग पॉलीथीन बनाते हैं, वो अल्कीन का ही रिएक्शन है। नेक्स्ट क्लास में एक एक करके हम लोग इन सभी